हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर, और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इस बुक का लेक्चर नंबर 38 है। इससे पहले आपके 37 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्ले लिस्ट में एडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है यूनिट 4 इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टर्न पर हमने इसमें एक इक्वेशन डराइव की थी। वो इक्वेशन किसके लिए थी? वो इक्वेशन थी आपकी वांडरवाल इक्वेशन, यानी कि उस टेम्परेचर पर या प्रेशर पर जो हमारे वेरिएबल थे वॉल्यूम पर, उनको लेकर हमने क्या की थी, एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। और आज हम इसमें आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है आपका क्रिटिकल कांस्टेंट। तो क्रिटिकल कांस्टेंट होता क्या है? आपने सुने तो होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, हमने बात भी की थी इनके बारे में जब हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, जो आपके फेज डायग्राम में थे। फेज डायग्राम्स में ग्राफ थे या नहीं थे, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का किया था, सल्फर का किया था, इसका वाटर का किया था, H2O का, इन सब के लिए हमने फेज डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ये कंडीशन आ रही थी या नहीं आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, ये होते क्या है, इनके बारे में क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक क्या होने वाला है? क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होने वाला है। अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और बैठकर ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर गैस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब गैस कैसी होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। क्या होती है? एन आर टी होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके लिए, रियल गैसेस के लिए, किसके लिए, रियल गैसेस के लिए, तो रियल गैसेस के लिए एक कंडीशन होती है जिस पर रियल गैसेस इस इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। और वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि उस पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए, बताइए। लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ये कंडीशन थी या नहीं थी कि रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं अगर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रख देते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को लेकर। किसके लिए बात कर रहे हैं? क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट होता क्या है, इसके बारे में बताती हूँ आपको। देखिए, जब कोई भी गैस है, कोई भी गैस है उसको हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर लो करेंगे। और टेम्परेचर लो करने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्लो मोशन करते हैं। स्लो मोशन क्या है, मैं बताती हूँ। जैसे आपके क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, आपके गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स दे दिए इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हर मॉलिक्यूल सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। हर एक मॉलिक्यूल सेम मोशन कर रहा होगा, सिमिलर स्पीड रखता होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे गैस का हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो आपके स्लो मोशन करते हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्स का विरोध नहीं कर पाते। अब अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से आ गया इसमें? लास्ट टर्न वाली क्लास अटेंड की है? अगर की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो लास्ट वाले सिर्फ दो लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो, आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको। अब देखो, यहाँ पर आते हैं फिर से अपनी उसी बात पर। यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्लो मोशन करते हैं। अब कम गति के कारण, एक दूसरे से कम गति के कारण, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स लेते हैं, यानी कि जिस फोर्स से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स का विरोध नहीं करेंगे, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स क्लोज आने का मतलब क्या है,
मॉलिक्यूल्स क्लोज आने का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर मत जाना, अभी वॉल्यूम की बात बात में है, ठीक है। अब देखें, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस किस कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट क्यों होगी, हम जानते हैं बिल्कुल अच्छे से कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से जुड़े होते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। वहीं लिक्विड की बात करें तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन वो कम होता है। और एक चीज, जैसे ये क्या है, ये हमारा सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, स्ट्रांग फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हैं, स्ट्रांग फोर्स से जुड़े हैं। और एक चीज, इसकी शेप क्या है, फिक्स है, शेप क्या है इसकी, फिक्स है। लेकिन वही बात करेंगे किसके लिए, लिक्विड के लिए शेप फिक्स नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक ग्लास में पानी लिया और दूसरा ग्लास खाली लिया, इस ग्लास का पानी आधा उसमें, मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन बात करेंगे गैस के लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कहने को तो अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, लेकिन इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जिसे हम वैन डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं फिर से अपने इसी टॉपिक पर आते हैं, जब गैस के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि एक कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर का टेम्परेचर अगर हम डाउन कर दें तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फोर्स का रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और रेजिस्ट ना करने के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है, द्रवीकरण हो रहा है। जब गैस आपके लो टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लो टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। अब ठीक इसी तरह से ये तो बात हो गई टेम्परेचर के लिए। अगर हम गैसेस को क्या करें, गैसेस का अगर हम प्रेशर को हाई कर दें, ध्यान से सुनिएगा, देखिए आप मेरी बात, अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, हाई कर दें, ज्यादा प्रेशर करने का मतलब क्या है भाई, देखिए ये आपका कंटेनर है भाई, तिरछा मिर्छा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, ये आपका कंटेनर है। समझ में आ गई बात, जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो आप। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे ये आपका कंटेनर के ये ऊपर क्या लगी हुई है, लिड लगी हुई है, जिसको हम क्या करेंगे अभी थोड़ी देर में प्रेशर लगाएंगे, जिस पर ऊपर से क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, और ऊपर से दबाव डालने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, श्रिंक होते चले जाएंगे। मॉलिक्यूल श्रिंक नहीं होंगे, इनके बीच का स्पेस श्रिंक होगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या किया, ये यहां से मैंने ये लिड को क्या कर दिया, और नीचे को थोड़ा प्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पर, ये पूछ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे के, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, और क्लोज आ रहे हैं। अब मॉलिक्यूल क्लोज आ रहे हैं तो गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है भाई, लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गैस जो है आपके लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू हम गैसेस का लिक्विफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना, यस और नॉट, क्लियर है या नहीं है, हो जानी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूं आपको। अब ये आ गई इतनी बात समझ में। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की तरफ। अब ये आ गया, जैसे हमारा क्या होता है, कोई भी गैस ले लो, जैसे हम क्या लें, सल्फर डाइऑक्साइड लें, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये आपकी 8 डिग्री सेल्सियस, कितने 8, और वो भी कैसे, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस में भी, और एक एटमोस्फियरिक प्रेशर, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में रह सकती है। अब देखो टेम्परेचर कितना लो है, टेम्परेचर है आपका 8 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में 1-2 डिग्री सेल्सियस में भी बहुत ठंड हो जाती है, ये तो फिर भी माइनस में 8 है, तो यहाँ पर, और प्रेशर कितना है 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर में भी, ये जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है ये लिक्विड में रहती है,
किसमें रहती है? लिक्विड में रहती है। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेशर टेम्परेचर क्या कर दे, हाई कर दे 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसका टेम्परेचर कर दे प्लस में 20, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड की तरह क्या करती है, रिएक्ट करती है। देखो मैंने कहा लो टेम्परेचर पर लिक्विड में हो जाती है, लो टेम्परेचर आ गया -8, फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आप देखें -8 की कंपैरिजन में प्लस का 20 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, प्लस का 20 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस में भी आपकी गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होनी जरूरी है, हमें इसके लिए प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले फैक्टर के लिए भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि फैक्टर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर, प्रेशर कहां तक लेकर जाएंगे, प्रेशर हम लेकर जाएंगे 3.24 एटमोस्फियर तक प्रेशर हमें लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, हम एक चीज कह सकते हैं कि आपके कोई भी गैस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में आपके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, फैक्टर कैसे हैं आपके, दोनों आपके फैक्टर हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर कंप्लीमेंटिंग फैक्टर्स हैं किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आती है बात, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वो टेम्परेचर, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड को मारो गोली, कोई और सी गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो गैस आपको पसंद है आप यहाँ पर वो गैस ले सकते हो। किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, चाहे उसके बाद 20 ले जाओ, 30 ले जाओ, 40 ले जाओ, या वो प्रेशर जिसके ऊपर, जिसे बढ़ाने पर, अब देखिए जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, एक एटमोस्फियर पर भी लिक्विड है, 3.24 एटमोस्फियर पर भी क्या है, लिक्विड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी आप क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तब भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, और वो प्रेशर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है वो भी आपका क्या कहा जाता है, क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। और क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वो आपका क्रिटिकल वॉल्यूम कहा जाता है। क्लियर है, तीनों समझ में आ गए? वो टेम्परेचर चाहे इससे डाउन तुम कितना भी लेकर चले जाओ, ये हम चीज जानते हैं कि टेम्परेचर अगर हम क्या करते हैं, डाउन लेकर जाते हैं तो हमारी कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक डब्बे में क्या करिया, क्या किया, हाइड्रोजन यानी कि H2O के क्या लिए हमने, मॉलिक्यूल्स लिए, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको वेपर फॉर्म में भर के दिया और मैंने कहा कि आप इसको फ्रीजर में रख के आओ, थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आपने देखा होगा डेली लाइफ में दूध होता है, जिसको हम दूध भी छोड़िए पानी होता है, पानी जैसे हमने क्या किया, बॉइल कर लिया और उसके ऊपर क्या रख दिया, उसके ऊपर हमने एक प्लेट ढक दी, जिससे हमने क्या कर दिया, जिससे उसकी भाप बाहर ना जा सके। तो क्या होता है, आपने देखा है कि प्लेट पर क्या होती है, पानी की बूंदे जमा हो जाती है, पानी की बूंदे जमा हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर जैसे ही उसका डाउन जा रहा है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये देखो -8 से चाहे आप कितना भी डाउन टेम्परेचर लेके चले जाओ, SO2 लिक्विड में नहीं होने वाली। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो -8 है, इसके डाउन जितने भी जाओगे, जो इसका पॉइंट है जिसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ज्यादा प्रेशर कितना लेकर जा सकते हो, 3.24 एटमोस्फियर प्रेशर पर, इससे भी ज्यादा अगर आप कितना, 4 लगा लो, 5 लगा लो, इसके बाद जितनी भी सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो वो टेम्परेचर जिससे डाउन जाने पर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो प्रेशर जिससे अबव जाने पर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है क्रिटिकल प्रेशर, और वो वॉल्यूम जो क्रिटिक गैस के, किसी भी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर, समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट? तो आप क्या करेंगे, अभी इसको हम रफ करेंगे और ये सारी चीजें हम एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, ठीक है।
समझ में आ गई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते चलेंगे। मैं इसको रफ कर रही हूँ, चलिए अब इसमें लिखते हैं आगे। अभी देखिए इसमें स्टार्ट करेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए अपने और साथ साथ नोट कर लीजिए क्योंकि हम अभी आपको सारे प्रॉपरली नोट्स बनवा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिखेंगे एट सफिशियंटली लो टेम्परेचर। पहले हम पूरी चीज लिखेंगे कि गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। फिर उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर की अलग, क्रिटिकल प्रेशर की अलग, क्रिटिकल वॉल्यूम की अलग। इसके लिए कोई ऐसी एग्जैक्ट इक्वेशन वगैरह के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए लिखे इसमें एट सफिशियंटली लो टेम्परेचर, एट सफिशियंटली लो टेम्परेचर, सफिशियंटली लो टेम्परेचर सम ऑफ स्लो मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ कॉमा लगाकर लिखेंगे, सम ऑफ स्लो मॉलिक्यूल, सम ऑफ द स्लो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रेजिस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, कैन नॉट रेजिस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स, कैन नॉट रेजिस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन कैन नॉट रेजिस्ट द अट्रैक्शन फोर्स एट सफिशियंटली लो टेम्परेचर, कॉमा लगाकर लिखेंगे, सम ऑफ स्लो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रेजिस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, एंड आगे लिखेंगे इसमें एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे कम क्लोजर टू ईच अदर या दे कम क्लोजर एंड अल्टीमेटली, दे कम क्लोजर एंड अल्टीमेटली दे कम क्लोजर एंड अल्टीमेटली द गैस चेंजेस इंटू लिक्विड स्टेट, अल्टीमेटली द गैस चेंज इंटू लिक्विड स्टेट कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इंटू लिक्विड स्टेट या लिक्विफाई हो जाएगी। सिमिलरली आगे लगा फुल स्टॉप लगाकर लिखेंगे, सिमिलरली एट हाई प्रेशर, अगर हम क्या करेंगे प्रेशर को हाई करेंगे, सिमिलरली कॉमा लगाकर लिखेंगे एट हाई प्रेशर या इंक्रीज ऑफ प्रेशर हैज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग गैस मॉलिक्यूल्स, या फिर चलो अपनी वही आसान भाषा में लिखते हैं, सिमिलरली एट लो हाई प्रेशर ज्यादा दाब पर, अधिक दाब पर क्या होता है, अधिक दाब पर एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर due to decrease in volume, come closer to each other या one another, each other due to decrease in volume। ये वाली line तो मुझे explain करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम ऑलरेडी क्या हो जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम है तो मॉलिक्यूल अपने आप पास आएंगे ही ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब आगे लिखेंगे इसमें, आगे क्या लिखेंगे इसमें,
कि आपके टेम्परेचर और प्रेशर के जो, यानी कि टेम्परेचर को कम करना और प्रेशर को ज्यादा करना, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों कंडीशन जो है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है, एक हेल्पफुल फैक्टर की तरह वर्क करती है। आगे लिखेंगे इसमें, कम क्लोजर टू ईच अदर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ये इसमें ऐड कर सकते हो, एंड गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, इनटू लिक्विड द्रव स्टेट, अवस्था, ठीक है ना। लिखिए इसमें आगे, does THUS does comma increase in pressure, comma लगाकर लिखेंगे, increase comma मत लिख देना, COM में लिख दो कभी, increase comma लगाकर लिखेंगे, increase in pressure and decrease in and decrease in temperature and decrease in temperature, increase in pressure and decrease in temperature, ये दोनों क्या करते हैं, both tends to cause होता है कारण, both tends to cause क्या दिखाते हैं, tends to cause liquefaction of gas, tends to cause liquefaction of gas, ये हो गई इतनी बात कि गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब इसके बाद मैं आपको क्रिटिकल वाला पॉइंट लिखाऊंगी, क्रिटिकल वाले पॉइंट के लिए हम अलग से लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ये सारी चीज के लिए अलग अलग लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इस छोटे से पैराग्राफ को अगर आपने साथ साथ नोट नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करूंगी फिर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर आप जानते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कि वो तापमान जिसके ऊपर हमारी कोई भी गैस द्रवित अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग ही होती है। क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है, -8 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31 होता है, 31 होता है। इसी तरह से अलग अलग गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन सब की वैल्यूज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इसके बाद लिखेंगे आप, स्केच लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर इसके अंदर लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज the critical temperature as that temperature above which वो तापमान जिसके ऊपर गैस द्रवित नहीं होती है, at which गैस या इट कैन नॉट बी, इट लगा लो या गैस लगा लो, ठीक है ना, इट मतलब हमने यहां पर इट लगाया गैस के लिए, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या कहा जाता है, वो टेम्परेचर कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सल्फर डाइऑक्साइड वाला याद है, मैंने आपको क्या बताया था, -8 और 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर पर भी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड में कन्वर्ट तब होगी जब हम प्रेशर भी क्या कर दें, हाई कर दें। लेकिन
क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो लिक्विड में नहीं होएगी कन्वर्ट। ठीक है, लिखे इसमें ऐड करेंगे नो मैटर, कोमा लगाकर लिखेंगे नो मैटर, मैटर ही नहीं करता हमारे लिए, हमारे लिए क्या गैस के लिए, नो मैटर, नो मैटर हाउ हाई अ प्रेशर मे बी अप्लाइड, नो मैटर हाउ हाई अ प्रेशर, हाउ हाई प्रेशर प्रेशर मे बी अप्लाइड, मे बी अप्लाइड। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्या कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। अब हम लिख लेंगे इसमें कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिख लो, अभी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तो लिखवा ही दिया आपको, लिखो इसमें एग्जाम्पल के लिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, नेक्स्ट लाइन से लिख लो, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस। इट मींस दैट, फुल स्टॉप लगाकर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इट मींस दैट अबव, अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर CO2 cannot be converted, cannot be converted, converted into liquid state, into liquid state, liquid state में convert नहीं की जा सकती। ठीक है, चाहे pressure कितना भी लगा लो, by any mean, ये भी लिख लो, by any mean, किसी भी तरीके से, ये हो गया यहां पर इतना। ठीक है, अब इसके बाद है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, इसी में लिख रही हूं क्रिटिकल प्रेशर। अगर आपने साथ नोट नहीं किया है तो टेम्परेचर वाला थोड़ी सी वीडियो पीछे करो, नोट कर लो। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर कहा जाएगा, वो प्रेशर कहा जाएगा जिस पर, वो प्रेशर गैस का, वो प्रेशर ऑफ अ गैस जिस पर, कैसे देखो, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज दैट प्रेशर, दैट प्रेशर अबव विच इट, मतलब गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, नो मीन हाउ टेम्परेचर इज लो, या फिर ये चाहो तो इसमें हटा सकते हो, इसमें कुछ जरूरी भी नहीं है ये लिखना कि टेम्परेचर वगैरह, क्योंकि प्रेशर के लिए हमने टेम्परेचर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। ठीक है, तो ये आ गई इतनी बात। तो यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, वो प्रेशर जिसके ऊपर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ले लेते हैं अपनी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये हो गया 31, क्रिटिकल प्रेशर का कुछ पता है कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है पता है कुछ, मैं बताती हूं, इसका होता है 72.9 एटमोस्फियरिक, इसका मतलब 72.9 एटमोस्फियरिक प्रेशर से ऊपर कितना भी प्रेशर लगाएं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने की। ठीक है ना, इट मींस दैट अबव दिस प्रेशर, अबव दिस प्रेशर प्रेशर CO2 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय एनी मींस। ठीक है, किसी भी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मैं अलग अलग के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर लिखवा रही हूँ, ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है -118 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 49.7 एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है पता है, हम बताते हैं, इसके लिए होता है -240 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है इसके लिए 12.8 एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है ना, ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता ही आपको, सल्फर डाइऑक्साइड का भी मैंने बता रखा है आपको, क्रिटिकल प्रेशर के लिए हो गया। अब इसके बाद है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम, इसमें लिखेंगे हम,
द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वॉल्यूम कहा जाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम लिख लेंगे फटाफट। द वॉल्यूम, द वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं भाई आयतन को, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, बाय अ गैस मॉलिक्यूल, 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 मॉलिक्यूल एट इट्स क्रिटिकल, एट इट्स क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, एंड क्रिटिकल प्रेशर, एंड इट इट्स क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज, इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, लिख लेते हैं किसका क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखेंगे, इसके लिए होता है 940। CO2 के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है? 940 ml में, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 78.2 ml में। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए होता है 61.5 ml। ये इनके वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद आपके इस चैप्टर में ज्यादा बड़ा नहीं रह गया है, अब ये छोटा सा पोर्शन रह गया है, उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें इतना ही करेंगे, आपके लिए नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए, अब इससे अदर आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछेंगे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पर कैसे पूछेंगे? एक इंस्टाग्राम आईडी है, आपको उस पर मैसेज करना है। आईडी हम बता रहे हैं आपको, ये physics_guru_india। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।